किंटो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं एडमिन और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हो प्लस रिएक्शंस और आज की वीडियो जो है उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, व्हाटएवर यू वांट। साथ में इंस्टाग्राम पे भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहां पर भी हम डिफरेंट कंटेंट आपके लिए लगाते हैं। और अगर कोई रिक्वेस्ट भेजनी है तो भी आप हमें जो है वो लिंक के साथ भेज सकते हो। तो अभी देखते हैं इस वीडियो को, इस वीडियो को देखने के बाद हमें पता चलेगा कि ओ क्या है। तो एक नई वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो हमारे साथ मौजूद है। मौजूद कौन तो पता होगा ना, लेट्स सॉन्ग्स में यूज होता है। नमस्कार नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि अमेरिका की मेजर इन्वेस्टमेंट कंपनी मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक ने यह प्रेडिक्शन करी है अपनी तरफ से के भारत 2075 तक यूएसए को बीट करके दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। चाइना तब भी टॉप पे रहेगा मगर इंडिया सेकंड स्पॉट पे आ जाएगा। नाउ ये जो न्यूज़ है यूएसए में बहुत सर्कुलेट हुई, इनके मीडिया ने काफ़ी कवर करी क्योंकि इनके लिए भी चिंता की बात है कि ठीक है इंडिया के साथ रिलेशन हमारे अच्छे हैं मगर इंडिया आने वाले दशकों में हमें ऑल टुगेदर बीट कर देगा। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब ये 2075 की बात करते हैं तो इस साल तो ऑफिशियली इंडिया यूएसए से आगे निकल जाएगा। उससे पहले भी आप देखोगे इसका मतलब ये है कि 2050-60 में भी इंडिया यूएस इकोनॉमी के बहुत ज़रा करीब आ चुका होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या है। बाय द वे आप ट्विटर में देखोगे ऑनलाइन कई लोग इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, कई लोग एस्टोनिश्ड हैं कि इंडिया ये सब कर पाएगा 2075 में। और देखो रिपोर्ट जो है गोल्डमैन सैक्स की उसमें एक बात ये भी लिखी है कि एक तरफ इंडिया ग्रो कर रहा है दूसरी तरफ चाइना के जो बैंक्स हैं उन पर इन्होंने कॉल दी है कि इनको बेचना स्टार्ट कर दो, चाइना के बैंक्स में प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली ये सब सुनकर चाइना का जो सरकारी मीडिया है ये आज के समय गोल्डमैन सैक्स को टारगेट कर रहा है और ये कह रहा है कि ये लोग एक एंटी चाइना व्यू पॉइंट बना रहे हैं। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि 2075 के लिए इंडिया की क्या प्रेडिक्शंस हैं, इंडिया कहाँ पे होगा, बाकी देश कहाँ पर होंगे और इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से क्यों ग्रो करेगी। तो काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, ये सैड न्यूज है एक्चुअली, एक छोटा सा झटका लगा इंडिया को। आपको यहाँ पर बताना है कि वो कौन सी फॉरेन कंपनी है जिसने रिसेंटली $19.5 बिलियन के सेमी कंडक्टर वेंचर से पुल आउट कर दिया है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा मगर यहाँ पे बस आपके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताइए किस कंपनी ने इस बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट से पुल आउट कर लिया है, खुद को वापस ले लिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अमेजॉन, गूगल, फॉक्सकॉन या फिर इंटेल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा पहली बात तो गोल्डमैन सैक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये डिसाइड करता है कि बिलियंस की इन्वेस्टमेंट कहाँ पर जाएगी, किस देश में जाएगी, इनकी आवाज़ मैटर करती है। गोल्डमैन सैक्स आज के समय कह देना कि ये कंपनी है इस पर हमें भरोसा है ये इन द फ्यूचर काफ़ी अच्छा करेगी, रातों रात उस कंपनी का स्टॉक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। और ओवर द ईयर्स चाहे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, गोल्डमैन सैक्स की टीम हमेशा इंडिया के पीएम से मिलती है और इंडिया के पीएम को भी पता है कि गोल्डमैन सैक्स के जो बोर्ड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, वैसे इनका बोर्ड बहुत बड़ा है, लक्ष्मी मित्तल के बारे में आपको पता होगा, दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर्सलर मित्तल उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ये। ये भी आपको गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में मिलेंगे। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट बैंक है। जब ये लोग कहते हैं कि इंडिया जो अभी पाँचवें स्पॉट पे है जीडीपी के मामले में, ये 2075 में यूएसए को रिप्लेस कर देगा यहाँ पर सेकेंड स्पॉट में, क्योंकि चाइना पहले रिप्लेस कर चुका होगा यूएसए को, फिर इंडिया रिप्लेस करेगा यूएसए को, यूएसए नंबर थ्री स्पॉट पे आ जाएगा। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे गोल्डमैन सैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, इन्होंने इस वेबसाइट पे एक प्रॉपर ग्राफ भी दिखाया है कि किस तरीके से इंडिया यूएसए और बाकी इकोनॉमीज को सरपास करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करूँ इस रिपोर्ट में, ये है यहाँ पे आपका ग्राफ। नाउ ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये है इंडिया की। आप नोटिस करिए 1980 में और इवन आज के समय 2020 के आसपास हम लोग चाइना और यूएसए से कितना ज़रा पीछे दिख रहे हैं। मगर गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जिस स्पीड से इंडिया लगातार आगे बढ़ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहले 2040 तक इंडिया की जो इकोनॉमी है ये 10 या फिर 12 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी और उसके बाद ना
एक कंटिन्यूअस अपवर्ड स्विंग जाएगा, मतलब कि इंडिया कॉन्स्टेंटली एक बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ रेट पर बढ़ता रहेगा, चाइना और यूएस की जो ग्रोथ रेट है ये काफी हद तक स्टैग्नेट रहेगी और इंडिया आराम से यूएसए को 2075 के आसपास बीट कर देगा। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि बाकी जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो इंडिया यूएस चाइना के बहुत ज़रा पीछे चली जाएंगी। बेसिकली इंडिया चाइना यूएस ये दुनिया में अलग ही दिखेंगे, दोनों 50 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की इकोनॉमीज होंगी। इसके कंपैरिजन में चौथे स्पॉट पर कौन होगा? यूरोपियन यूनियन। इनकी कंबाइंड इकोनॉमी, यहाँ पर जर्मनी फ्रांस सारे जो यूरोपियाई देश है सबकी कंबाइंड इकोनॉमी अगर मैं बताऊँ तो 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास ये मान के चल रही है। फिर पांचवें स्पॉट पे जापान, जो बिल्कुल ही पीछे रहने वाला है। जापान के बारे में तो देखिए गोल्डमैन सैक्स ने साफ साफ कह दिया है कि इनकी इकोनॉमी में थोड़ा सा पहली बात तो एक ड्रॉप दिखेगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ रेट से ही आगे बढ़ेंगे। जापान की इकोनॉमी 2075 तक 7.5 ट्रिलियन रहेगी, तो इंडिया कई गुना ज़्यादा एक बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा कंपेयर टू जापान। और ये जो डिफरेंस है ना, इससे मैं आपको क्लियरली ये बता दूं, दुनिया के इकोनॉमिस्ट इवन 2050-2060 के आसपास ये बोलना स्टार्ट कर देंगे कि दुनिया की इकोनॉमी को चलाते हैं बिग थ्री, इंडिया चाइना यूएस, बाकी सब बहुत पीछे आते हैं। नाउ यहाँ पर आप एक सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिसर्च करी, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट किया भारत की इकोनॉमी का, उसको पब्लिश भी कर दिया अपना ब्रांड नेम लगा करके, हम बैक करते हैं इसको कि ऐसा होगा, पर इससे हमें क्या, हमें क्या इससे मिलेगा क्या हमको? देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, जब गोल्डमैन सैक्स ये बात करता है ना तो विश्व की कई बड़ी कंपनीज अपनी जो इन्वेस्टमेंट में भी आ गई है ना, माइंड में भी वो इंडिया स्पेसिफिक बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये सिर्फ आप और मैं नहीं देख रहे, ये कई बिलियनर्स भी देख रहे हैं जिन्हें निवेश करने के लिए जगह चाहिए, जो थोड़ी सी और शॉर्टी चाहते हैं इंडिया के बारे में, क्या इंडिया ग्रो करेगा, क्या सच में इंडिया जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी चाइना से काफी पीछे है, यूएस से काफी पीछे है, क्या इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा? तो ये जो रिपोर्ट्स है ना उन इन्वेस्टर्स को ये एश्योरेंस देती है कि हाँ बिल्कुल भारत में निवेश करिए, फ्यूचर में यही इकोनॉमी ग्लोबल ग्रोथ को अपने कंधों पर बिठाकर लीड करेगी। अब यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन ये भी आएगा कि गोल्डमैन सैक्स ने मेन रीजन क्या बताया है। नाउ अगेन हम यहाँ पर माइक्रो बातें नहीं कर रहे कि आने वाले एक दो सालों में क्या होगा, हम यहाँ पर कई दशकों की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो उस केस में गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया की स्टोरी कैसे बताई है? ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि पहली बात तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, और ये बात सच है, इंडिया की पॉपुलेशन मोस्ट प्रॉब्ली एक टाइम पे आकर 1.6 बिलियन होने वाली है। चाइना की पॉपुलेशन कोलैप्स कर रही है एक तरफ, कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.6 बिलियन हो चाइना की पॉपुलेशन आराम से 1 बिलियन से भी नीचे गिर जाए, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो सिंस इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा रहने वाली है तो यहाँ पे ना एक ह्यूज डोमेस्टिक कंजम्पशन रहेगी, भारत बाकी कंट्रीज़ की तरह अपने एक्सपोर्ट्स पर उतना निर्भर नहीं रहेगा, इंडिया इंटरनली ही इतना कंज्यूम कर लेगा कि उससे ही बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रोथ सामने दिखेगी। फिर ये आगे ये भी कहते हैं कि इंडिया की जो इम्पोर्ट्स की डिपेंडेंसी है प्राइमरली ऑयल को लेकर ये 2075 तक बहुत ही ज़्यादा कम होने वाली है। आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं 2075 तक कच्चा तेल हम ऑलमोस्ट ना के बराबर इम्पोर्ट कर रहे होंगे, हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हम अभी के लिए दे रहे हैं रशिया को या फिर इराक को या फिर सऊदी अरेबिया को, ये पैसा हम वापस अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च पाएंगे, रिसर्च में खर्च पाएंगे, तो उससे भी भारत की ग्रोथ को एक एक्स्ट्रा पुश मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या गारंटी है कि 2075 तक इंडिया ऐसा करेगा, देखिए हमारे देश का टारगेट है, पीएम मोदी ने ये बात कैटेगोरिकली कही है कि इंडिया एक नेट जीरो एमिशन इकोनॉमी बनेगी 2070 तक। तो आप इससे ये भी समझ लीजिए रीन्यूएबल सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां आएंगी, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, एक नया सेक्टर इंडिया में खड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होंगी, तो इतने बड़े स्केल पर इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाली है। इंडिया धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करेगा कि आराम से इंडिया दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ना मैं यहाँ पर ये लिख रहा था इनकी रिपोर्ट में ना कुछ इन्होंने खतरा नहीं बताया कि ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इन्होंने कहा कि देखिए इंडिया के केस में ना ये बात छोटी है कि आबादी ग्रो करेगी और साथ ही साथ इकोनॉमी भी बढ़ेगी, कुछ ऐसा नहीं है कि इंडिया के बैंक्स या फिर इंडिया की इकोनॉमी कहीं पर वहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। तो गोल्डमैन सैक्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इंडिया की ग्रोथ को लेकर। ना यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट है इससे एग्री करते हैं या फिर आप मानते हैं कि नहीं
बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लिखेगा उन प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अपने विचार शेयर करिएगा, योर कमेंट्स मैटर अलॉट। नाउ फाइनली वापस आते हैं जी क्वेश्चन पर कि कौन सी कंपनी है जिसने झटका दिया है 19.5 बिलियन डॉलर के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट से खुद को बाहर निकाल कर। तो सही उत्तर यहाँ पे है फॉक्सकॉन। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल फॉक्सकॉन डम्स, ये बाय द वे ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन डम्स 19.5 बिलियन डॉलर वेदांता चिप प्लांट, और ये बिल्कुल आप कह सकते हैं एक ब्लो है, एक झटका है टू इंडिया। इस पर मैं एक अलग से वीडियो कुछ ही देर में आपके लिए ले आऊंगा। और फाइनली आप तैयारी कर रहे हैं तो मैंने खुद ही स्पॉन्सर कर दिए। ओके सो इस वीडियो में काफी इंफॉर्मेशन मिली है हमें, इंटरेस्टिंग लगी ये वीडियो द इंडिया एज इकोनॉमी, क्योंकि अभी तक हम लोग यही देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है बिकॉज़ के उनकी आईटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने अपने जो डिफरेंट सिटीज़ हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। उनके ये नहीं है जैसे कि आईटी पे कोई फोकस नहीं है या इस तरह की चीज़ों पे कोई फोकस नहीं है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, हर चीज़ पे वो लोग फोकस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पर फोकस कर रहे हैं, और इसकी वजह से उनकी इकॉनमी जो है वो बढ़ती जा रही है और अब 75 तक वो लोग इंडिया जो है वो चाइना और यूएस को बीट करेगा। यार मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि आप लोग जो हो वो इतना ज्यादा करियर को लेकर और डिफरेंट चीजों को लेकर इतने ज्यादा मतलब हमेशा एनर्जेटिक रहते हो, पैशनेट रहते हो, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यूथ किस तरह से देख रही है अपने फ्यूचर को, कितने एफर्ट्स डाल रही है। जितना हम लोग कंजम्पशन करते हैं मीडिया की, तो हमें इस चीज से काफी हैरत होती है कि 90% पीपल जो इंडिया में हैं वो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी शार्प माइंडेड एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, और उसके साथ साथ उनके जो एजुकेशन लेवल है या उनका जो वर्किंग लेवल है वो भी डिफरेंट होता है। अच्छा इट्स नॉट अबाउट कि यहाँ पे शार्प लुक नहीं है, इट्स अबाउट कि वो जो काम करने का जो एक पैशन है ना, जो एलिमेंट है वो मिसिंग है, जज्बा नहीं है, जज्बा थोड़ा सा मिसिंग है। पीपल आर लेजी, मोर लेजी है, मोर सार्केस्टिक है, और दे आर मोर इंक्लाइंड टू फनी थिंग्स और चिल थिंग्स। लाइक यहाँ पे आप सोचो कि शॉप्स भी खुलती हैं तो दिन के 12-1 बजे तक यहाँ पे शॉप्स और मार्केट्स खुलती हैं, आप सोचो इससे अंदाजा लगाओ। और लोगों का एटीट्यूड भी वो नहीं होता। अच्छा जैसे उन्होंने कहा वीडियो में और मैंने भी तुम्हें कहा कि आबादी का बड़ा रोल प्ले होगा यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी में, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आबादी, जैसे मान लो कि हमारे कंट्री में भी अगर आबादी है तो अगर जाहिर है वो नो डाउट उनके हिसाब की नहीं है, लेकिन आबादी भी यूजलेस है अगर वो लोग प्रोडक्टिव ना हो उसके अंदर, तो लोग बड़े प्रोडक्टिव हैं और आने वाले सालों में मैं वाकई बात खुद भी कह सकती हूँ, मैं इनकी रिपोर्ट से जो है वो टोटली मुझे लग रहा है कि यहाँ और लाइक शुरू से ही चाइना यूएस उनका नाम आता है आबादी वाली कंट्रीज में, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी बात है क्योंकि मैंने, तुमने नहीं कहा, इतने बड़े बैंक ने जो है ये बात कही है, और आप सोचो जब आप एक बात कहीं से सुन रहे होते हैं ना ऑटोमेटिक वो चीज़ें वैसे वैसे होने लग जाती है, आपके माइंड में ये आपके माइंड में आ जाता है। अब इंडिया भी एनर्जेटिक होकर एनर्जाइज होकर जो अपनी चीज़ें करेगा, प्लस जो बाकी इन्वेस्ट करना चाह रहे थे ना इंडिया में, डाउट था कि कैसे करें क्या करें, उनके डाउट्स क्लियर हो गए और अब वो लाजमी यहाँ पर इन्वेस्ट करें। सारी जितनी भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज है जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, जो जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें सबके हेड ऑफिसेस, नॉट हेड ऑफिसेस, सबके जो ब्रांचेस हैं वो इंडिया में हैं, एक एक चीज़ें, मतलब बहुत बड़ी बात है ये कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो है ना ऑफिसेस इंडिया के अंदर हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, दे फील से फॉरनर्स के लिए बड़ा ओपन है, तो उससे भी इकॉनमी को बूस्ट मिलता है, फॉरेन सेलिब्रिटीज भी आते हैं, बिल गेट्स भी आ चुके हैं यार इंडिया में। सो और जो गूगल के जो सीईओ हैं, सारी बड़ी बड़ी कंपनी के जो सीईओज हैं ना, उनके अंदर इंडिया के लोग, क्या क्या इंडियन पीपल आर सीईओज इन गूगल। अगर आप एक वो होता है ना फेस्टिवल इंडिया में सनबर्न, हमने जब चैनल स्टार्ट किया था ना तो हमने पहले साल में सनबर्न पे रिएक्शन दिया था, दैट वाज हिलेरियस। तो या इसी के साथ दैट्स इट फॉर टुडे, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।